हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई क्लासिक गेमर्स और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रो पिरो वाइस टाउन। अरे भाई साहब, ये टायर किस चीज का है? किसी जहाज का टायर तो नहीं है? अरे नहीं यार गाइस, ये टायर तो अपने मॉन्स्टर ट्रक का है। हाँ भाई साहब, तो यार गाइस आज हम लोग चलाएंगे मॉन्स्टर ट्रक, वो भी अपने रो पिरो वाइस टाउन में। तो चलो इसको पहले हम लोग सीधा कर लेते हैं। ओके ओके, चलो पहले यार गाइस इसको यहाँ से निकालते हैं। और आज की इस वीडियो में यार गाइस मैं आप लोग को न्यू वेपन्स दिखाने वाला हूँ, बहुत ही धमाकेदार वेपन्स जो कि आज तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किए होंगे, ना ही लिए होंगे और ना ही देखे होंगे। तो यार गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर यार आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो जाके यार गाइस आप लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ भाई साहब, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यार आज की वीडियो है ही कुछ ऐसी। अरे लेकिन एक मिनट, मुझे यार आज आर्टिका से मिलना था। आर्टिका यहाँ पर भी है ना? मैं तो क्या बोलता हूँ, इसको इधर ही मिल लेते हैं हम लोग इससे यहाँ पे। लेकिन यार ये इधर कहाँ पे है, किस साइड पे है? नहीं यार, यहाँ पर कौन जाए, ये तो बहुत ही दूर पड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करीब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आर्टिका क्या कर रही है? टेक अ ट्रिप टू अ रैंडम लोकेशन विद आर्टिका, यस इट्स अ डेट। ओके, ये ठीक रहेगा। ओके तो यार गाइस मैं ना यार थोड़ा सा आर्टिका के साथ घूम कर रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए आर्टिका से ना बात किए ना मिला हूँ। मैं अपनी खुसर फुसर जारी रखता हूँ, आप लोग यार वीडियो एंजॉय करो। तो अभी भाई साहब यहाँ पर जो है, मतलब यार मुझे गर्लफ्रेंड अच्छी मिली है यार, कोई ज़्यादा नखरे नहीं करती है कि रो पिरो शॉपिंग करा, पैसे दे, ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं यार गाइस। बस आर्टिका को मैं सीधा सीधा बस लेके जाता हूँ, राउंड लगवा के आता हूँ और वापस आ जाता हूँ। इसको मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही गिफ्ट दिया है, उसके बाद यार गाइस मेरे को नहीं याद कि मैंने इसको कभी गिफ्ट दिया हो। नहीं भाई साहब बिल्कुल ही नहीं, मतलब कि मैं तो यार बिल्कुल यार इसका अच्छा चलता हूँ और ये भी बहुत ही चलती है। लेकिन यार गाइस यार इसमें ना एक प्रॉब्लम है भाई साहब, जहीं पे जहाँ पर भी कहीं पे भी क्राइम हो रहा होता है ना, ये आर्टिका मेरे से पहले वहाँ पर पहुँच जाती है। खैर मैं तो नहीं जाता हूँ, लेकिन आर्टिका यार वहाँ पर खड़ी हो जाती है और उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है ना, तो फिर यार गाइस इसका साथ देने के लिए मुझे जाना पड़ता है। ओके, अरे अभी ये कहाँ पर जा रही है, ये कौन सी पोजिशन है, कहाँ जाना है इसको, चलो देख लेते हम लोग। ओके उतर लें। ओके उतर गया मैं कार से, वी आर इन पोजीशन, लेट्स गो। अरे कहाँ जा रहे हो यार तुम लोग? ओके किधर जाना है यार? आर्टिका आ जा भाई, आ जा। अरे यार क्या मतलब कि कार को लेके जाना है? चलो एक काम करते हैं, कार को ही लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। हमें कहाँ के अंदर, फुटबॉल स्टेडियम में जाना है लगता है कि? हाँ यार गाइस अपने को जो है फुटबॉल स्टेडियम में ही जाना पड़ेगा, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके अरे अरे भाई जाओ ना, तुम लोग क्या कर रहे हो? ओ हाँ यार गाइस देखो, चलो उनको एंजॉय करने दो। ओके भाई साहब आधे घंटे बाद जो है ये लोग आ गए हैं और कार में आर्टिका बैठ गई है। तो चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, आर्टिका को पिक भी कर लिया है और उसको घुमा फिरा भी लिया है, तो अभी एक काम करते हैं इसको यार गाइस वापसी से हम लोग इसके घर पे छोड़ते हैं, और फिर यार गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ न्यू वेपन्स, और उनको आज हम लोग यार गाइस ट्राई भी तो करेंगे ना, ट्राई करने में और भी मजा आया, वरना फिर क्या फ़ायदा यार गाइस, है ना? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? और यार गाइस उन वेपन्स के बारे में जो है मुझे आप लोगों को पता है किसने बताया है? आर्टिका नहीं बताया है, और कौन बताएगा यार, क्योंकि यार कल जो है रात को मैंने आर्टिका से कॉल पे बात की थी और आर्टिका ने मुझे ये टॉपिक दिया, और यार गाइस इसने मुझे ये भी बोला कि रो पिरो तुम मेरे से मिलने जरूर आना, तभी तो मैं आ गया हूँ यार गाइस यहाँ पे आर्टिका से मिलने, और मिल भी लिया मैं, और थोड़ा सा घूम फिर भी लिया, थोड़े से मजे भी कर लिए मैंने। हाँ आप लोगों को थोड़ी ना पता लगा। तो अभी बस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, आर्टिका को जो हम लोग इसके घर पे ड्रॉप कर देते हैं। ओके 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 भाई साहब आर्टिका आ गई अपने दरवाजे पे, अभी बस हम लोग इसकी कार यहीं पे पार्क करके हम यहाँ से निकल लेते हैं यार गाइस, अपना कोई ज़्यादा काम नहीं बचा है ना। ओके तो गई यार गाइस आर्टिका घर पे, और कार पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है इसकी हर बारी। और अरे 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 यार ये बुड्ढा इतना परेशान क्यों लग रहा है, लगता है कि नौकरी छोड़ दी इसने। अरे तो सिगरेट पी रहा है, अरे यार मतलब कि आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है रो पिरो वाइस टाउन में, किसके क्या हालात हैं, किसकी क्या ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता है यार गाइस। रो पिरो तो फिर भी मतलब कि ओके चल रहा है,
और मतलब क्या अपने को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अपनी लाइफ में, वरना देख रहे हो ना गाइस बेचारा कितना सैड है, लगता है कि इसकी बीवी मर गई या तो इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़कर चली गई होगी। छोड़कर तो खैर इसको उम्र में कोई नहीं जाता है, लगता है कि मर गई होगी। चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं यार गाइस हम लोग शॉप में और न्यू वेपन्स ट्राई करते हैं। ओके तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि इधर जो है रियल गैंगस्टर क्राइम का एड आ गया है, ये कट कर लेते हैं। और सबसे पहले कौन सा वेपन ट्राई करें, ये तो यार बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। पहले थोड़ा सा हैवी वेपन्स पे जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं ना क्या गाइस क्या क्या है। ओके तो यार गाइस पहले हम लोग ट्राई करेंगे फ्लेम थ्रोअर। आप लोगों ने ये गन ट्राई नहीं की होगी क्योंकि यार गाइस ये महंगी बहुत होती है और यार मतलब कि आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं की होगी, लेकिन चलो मैं आज आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो फ्लेम थ्रोअर गन जो है यार गाइस लोगों को आग लगाती है और मतलब कि इतनी जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ती है, जैसे कि अभी मैंने इस पुलिस वालों को लगा दी ना, तो अभी देखो अभी तक लगी हुई है, अभी तक लगी हुई है। अरे हाँ भाई साहब ये गन में बहुत मजा आता है। ओके और अगर ज़्यादा किसी को मार दो ना ये आग, तो यार गाइस वो बंदा जो है जल के राख हो जाता है और बचता नहीं है, जैसे कि अभी मैंने इस बंदे को लगा दी। लेकिन अभी अगर मैं इसको और ज़्यादा लगाऊंगा ना तो यार गाइस ये मर जाएगा। वेट अ मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो। अरे अरे भाग कहाँ रहा है साले, भाग नहीं। ओके देखा गाइस आप लोगों ने, ज़्यादा आग लगी इसको तो ये राख हो गया। चलो अभी क्या करना है, दूसरी गन ट्राई करें। ओके अभी चलो यार गाइस शॉप में दोबारा से दूसरी गन ट्राई करते हैं, क्योंकि यार गाइस गन्स बहुत ज़्यादा हैं, टाइम अपने पास कम रहता है, कम से कम भी यार गाइस अपने को 5-6 गन्स दिखानी है। और ओके एक ये BFG है, एक ये डांस गन है और एक है ये फ्रीजर। तो और के यार गाइस पहले हम लोग ये स्नो थ्रोअर इस्तेमाल करते थे, लेकिन चलो अभी मैं आपको फ्रीजर दिखाता हूँ। ओके गाइस यहाँ पर मैंने फ्रीजर गन ले ली है और अभी यहाँ पर मिल नहीं रहा ना यार कोई। ओके पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा है एक, अरे पुलिस की कार आ रही ना, तो देखो यार गाइस मैं इस कार को कैसे फ्रीज करता हूँ। ये देखो यार गाइस मैंने यहाँ पर पुलिस की कार ही फ्रीज कर दी। और गाइस इस कार का इस गन का यही फायदा है, लेकिन अगर किसी बंदे को हम लोग फ्रीज करते ना, जैसे कि ये पुलिस वाला, और अगर ज़्यादा करेंगे इसको फ्रीज, तो यार गाइस ये मर जाएगा, टूट जाएगा। देखा आप लोगों ने, टूट गई ना बर्फ इसकी। हाँ ये भी बहुत मजा आता है इसमें। ओके अभी देखो यार गाइस यहाँ पे ये पुलिस वाला भी टूट गया ना भाई साहब। इस गन के ये फायदे हैं और ये गन भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये गन ट्राई नहीं की है तो ये ट्राई करने का सजेशन मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट गन की तरफ। दो गन्स तो यार गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दी है ना, तो चलो अभी मैं आपको एक और गन दिखाता हूँ। तो यार गाइस नेक्स्ट गन जो है वो है बारबेक्यू गन। ये जो है यार गाइस बंदे को लाल और लाल कर देती है और मतलब के आग से भरा कर देती है, लेकिन ये जो है अपनी उस पिछली गन से डिफरेंट है। कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये बंदा है और अभी अगर मैं इसको ये गन लगाता हूँ ना, तो ये देखो गाइस इसकी क्या हालत जाएगी। देखा आप लोगों ने, ये तो मतलब के जल के पत्थर बन गया। ओके अब इस कार को मारता हूँ और कार की आप लोग हालत देख रहे हो क्या हो गई है। हाँ यार गाइस मतलब कि जो ना इस गन का टेम्परेचर बहुत होता है और ये हालत ख़राब कर देती है बंदे की। और अरे 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 भाई साहब देख रहे हो मतलब कि गाइस दूर से तो ऐसा लगता है कि बंदे में सुपर पावर्स आ गई हैं। ओके अभी ये बाइक वाले को मैंने कर दी और ये देखो बाइक वाले की क्या हालत हो गई भाई साहब, फट गया। अरे 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 गाइस ये देखो अभी जैसे कि इस बंदे को मैंने किया और देखो उसकी क्या हालत हो गई, लाल जाते हैं यार गाइस यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल मतलब कि ख़त्म। ओके तो यार गाइस ख़त्म हो गया ये भी। अरे लगता है कि भाई साहब पुलिस की मक्खी आई है, पुलिस की मक्खी तो ये रही ना, चलो इसको भी कर देते हैं हम लोग, ये भी मर जाएगी। ओके ब्लास्ट हो गई। अरे भाई साहब तुम्हारी भैंस की यहाँ कहाँ से देते हो तुम लोग खामखा तंग करने के लिए हमें। अरे 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 भाई साहब वाओ, मतलब कि अब तो मैं मक्खी को भी मार सकता हूँ। मक्खी आ जा बेटा, मक्खी को तो यार गाइस मैंने ख़त्म ही कर दिया। अरे यार यहाँ पे पुलिस भी आ गई है, चलो पुलिस का भी गेम बजा डालते हैं। लेकिन यार गाइस अब बहुत टाइम हो गया, ये गन जो है अभी हमें चेंज करनी पड़ेगी, चलो शॉप में। तो यार गाइस तीन गन्स तो मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ, अब जो गन दिखाऊंगा वो इन तीनों गन से भी ज़्यादा धमाकेदार होगी, चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यार गाइस इस गन का नाम है वॉइड एमिटर। तो यार गाइस ये जो है मतलब कि अपने टेम्परेचर पे चलती है और मतलब कि बहुत खतरनाक गन है ये आप लोगों ने आज तक ट्राई नहीं की होगी, चलो मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। ओके तो यार गाइस मैंने यहाँ पे बाय कर ली है, बुलेट्स भी इसकी ले ली हैं और अभी ये देखो यार गाइस, देखा आप लोगों ने मतलब कि ये बंदे को छोड़ती नहीं है, और अगर ये किसी को लग जाए ना तो पहले तो वो बहुत ही प्रेशर से दूर जाके गिरेगा। जैसे कि अभी मैं इसको पहले मारूं तो देखा आप लोगों ने इसको झटका कैसे आया, लेकिन अगर इसको मैं ज़्यादा ये गन मारूंगा तो इसकी हालत बचेगी नहीं, ये टाइट हो जाएगा बिल्कुल, इसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। और ये देखो जैसे कि पुलिस वाले को मैंने मारा
और अरे अरे भाई साहब देख रहे हो गाइस आप लोग यहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक गन है ये, इसको तो मतलब के ट्राई करना समझो के बहुत ही खतरनाक रहता है। चलो चलो ठीक है, ओके 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 गाइस। अरे अरे ये क्या, ये गन बंदे पर असर नहीं कर रही है क्या? अरे वाह यार ये तो मतलब के शील्ड बहुत ही धमाकेदार रहता है इनका। अरे गन चल नहीं रही है क्या, टेम्परेचर पे ना क्या करें। ओके 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 अरे यार ये तो हीट कर नहीं पा रही है ये गन जो है यार गाइस, हीट पर चलती है ऐसे नहीं चल पाती है। अरे यार ओवर हीट हो जा रही है। चलो ठीक है यार गाइस, इस गन को भी हम लोगों ने ट्राई कर लिया है, अब मैं आप लोगों को लास्ट गन दिखाता हूँ। ओके ओके गाइस, पुलिस भी अपने पीछे यार बहुत लग गई है गन दिखाने के चक्कर में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब आप लोग कर देना। तो यार गाइस नेक्स्ट गन जो है वह BFG गन। ओके ये गन तो यार गाइस अलग चमत्कारी गन है, चलो मैं आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ, आप लोग क्या याद करोगे। ओके तो ये गन जो है यार गाइस अगर आप लोग किसी के पास भी फेंकोगे ना तो पहले तो ये पता नहीं कैसा फुल बनाएगी, लेकिन यार गाइस ये जो है बहुत ही खतरनाक ही गन अभी जाके हेलीकॉप्टर को लगी, हेलीकॉप्टर एक ही झटके में मर गया, और ट्रांसफार्मर की आप लोग हालत देख रहे हो, आमने सामने आस पास सबको आग लग जाएगी भाई साहब, ये गन बहुत ही खतरनाक है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये गन जरूर ट्राई करना, क्योंकि अगर आप लोगों को किसी से लड़ना है, किसी से डरना नहीं है, तो आप लोग ये गन जरूर ट्राई करो, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है तो अभी लगता है कि यार गाइस अपने को अपनी इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा, पुलिस अपने पीछे बहुत ज़्यादा लग गई है। लेकिन अगर यार गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालो, और इस वीडियो को लाइक कर डालो, और यार गाइस कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इन सब गन्स में से कौन सी अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो यार गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।